हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ चूड़ीदार पैजामे के कटिंग, जो कि इस प्रकार हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे चाक बनाते हैं, कहाँ से निशान लगाते हैं और किस तरीके से पैजामे काटते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरा कटिंग करने का तरीका समझ में आ जाए। तो चलिए बताती हूँ। ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर का, 2.5 मीटर का। जितनी लंबाई आपको चाहिए, जितनी चूड़ियाँ बनानी हो, उतना कपड़ा है, आप ले सकती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा कपड़ा है 2.25 मीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब हमको बनाना क्या है इसमें से चूड़ीदार पैजामे, जिसके प्रकार ये हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि पैजामे की घड़ी करने का परफेक्ट तरीका कि किस तरीके से घड़ी करते हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा कपड़ा लेना है और इसको ये जो दो फोल्ड में हम ये इस तरीके का हमको घड़ी कर देना है। ये घड़ी करेंगे और देखिए ये, और इसको हमको घड़ी कैसे करना है, इस ये कोना पकड़ करके और उस कोने से इस तरीके का मिलाना है। ये देखिए, इसको हम कोने से कोने मिला देंगे। ये बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ, बिल्कुल आराम से। देखिए आप, इस तरीके का परत मिला देना है। यहाँ आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इधर कैमरा की तरफ मूव कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का ये मिला देना है, बल्कि ये भाग मैं कैमरा के पूरे सामने कर देती हूँ, तो आपको परेशानी नहीं होगी। बस ये ध्यान रहे कि आपको ये चौकोर कपड़ा लेकर के इधर से इस कोने में मिलाना है और इस कोने को हमको मिलाना है। अब जो हमारा ये खुला भाग है, हम इस तरह तरफ रखेंगे, और बंद भाग को जो हम हैं हमारे इस तरफ रखेंगे। ये देखिए, ये हम ये लगा चुके हैं। ये देखिए, कपड़ा हमारा पूरा परफेक्ट लग चुका है निशान। और हमको करना क्या है, अब बताऊँ मैं आपको कि यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि हमको बराबर कटिंग करने में परेशानी नहीं आएगी। बहुत आराम आराम से देखिए मेरा वीडियो, मैं एक एक भाग, एक एक पार्ट बहुत तरीके से बताऊंगी, समझा करके। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हमको घड़ी नहीं करना है। ये हम ये कपड़ा निकाल दिए हैं। अब हमको करना क्या है कि हमको यहाँ से चाक लगानी है। तो हम सबसे पहले हम इधर से, ये हमारा क्या है, ये आसन, आसन के कपड़े में चाक लगाएंगे। तो आसन हमको रखना कितना है, घेर लगाने के लिए चौड़ा परफेक्ट आसन में निशान लगाएंगे हम 16 इंच पे। इधर से इस कोने से लेकर के हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ कपड़ा खिसका लेती हूँ, जिसको आपको बराबर दिखे। ये देखिए, बस आपको इस कोने में, यहाँ हमारा ये आसन निकालेंगे इस कोने से। देखिए, यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमको लगाना कितना है, हमको रखना है हमारा ये आसन जहाँ हम म्यानी लगाते हैं, म्यानी हमारी 14 इंच पे लगती है, और आप मार्जिन रखने के लिए 15 इंच पे हम म्यानी लगाते हैं, जिसमें हम 6 इंच का हम ऊपर का बेल्ट निकालेंगे। तो हम 6 इंच छोड़ करके और यहाँ पे हम 15 इंच पे ये निशान लगा देंगे। ये देखिए, 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया ये आसन। और यहाँ से हम इधर से लेकर के, यहाँ से लेकर के देखिए आप, 17 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि 17 इंच पे हमारा घुटना आता है। तो हम परफेक्ट यहाँ से लेकर के ये 17 इंच पे हम निशान लगा देंगे, और इसको पूरी लंबाई में इस तरीके से चाक लगाते हुए हम निशान लगा देंगे। हमारा घुटने तक का निशान लग चुका है। अब घुटने से यहाँ हम कम करते हुए 1-1 इंच कम करके, जैसे हमारा यहाँ पे 10.5 है, तो 10.5 इंच के बाद हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 9.5 इंच के बाद 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 7.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरीके का
मोहरी तक हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से लेकर के हम इस तरह पूरे कपड़ा लेते हुए ये देखिए हम 6.5 इंच पे यहाँ से ये हम निशान लगा देंगे। ये हमारी परफेक्ट पैजामे की कटिंग है। और मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा लेते हुए देखिए ये मार्जिन पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारी सिलाई के लिए है। अब हमको करना क्या है कि इसको कटिंग करना है। देखिए हम यहाँ से हम कटिंग निकाल लेंगे। बहुत परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ मैं। वो अब चाहे तो आप यहाँ पे चूड़ी की जगह में आप यहाँ हुक भी टांग सकती हैं और आप पाइपिंग भी लगा सकती हैं, और पाइपिंग के अलावा आप जो है गोट भी बना सकती हैं। ये हमारे मोरी। अब हम जहाँ से मार्जिन वाला कपड़ा लिए हैं वहां से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम मार्जिन वाले कपड़े पे हम ये कटिंग कर देंगे। ये हमारी जो है ये पैजामे निकल आई है। अब हमको करना क्या है, ये जब हमारा जो ये कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे, और ये जो हमारा कपड़ा ये नीचे वाला भाग है ये बड़ा वाला, इसी को हम फिर इस कोने से जो हमारा ये कोना बचता है इस कोने से यहाँ तक का हम मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा परफेक्ट जो है ये मिल चुका है। अब ये हमारा पूरा आसन, ये हमारी रुमाली जो है, आप आसन भी बोल सकते हैं इसको, रुमाली भी बोल सकते हैं। ये हमारी रुमाली है परफेक्ट ये बन चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ करके ये रुमाली को यहाँ से हम लगा देंगे। ये देखिए आप यहाँ से परफेक्ट हम ये यहाँ से मिला करके इस जोड़ से और इस जोड़ पे ये मिला देंगे। अब हमको करना क्या है, हमारा आसन का निशान लेना है। ये हमारा आसन जो हमारा ये परफेक्ट ये है, हमको कितने इंच पे रखना है। यहाँ से देखिए आपको यदि सल भरने हैं तो सर भरने जैसा रख लीजिए, और यदि सर नहीं भरना आपको प्लेन रखना है तो हमारा ये जो हम 17 इंच पे घुटने पे निशान लगाए थे तो 17 इंच पे हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमको इस तरह का कपड़ा सीधा कर देना है। ये देखिए ये, और यहाँ पे हम ये गोलाई देते हुए इस तरह का ये जो है हम गोलाई देते हुए इस कपड़े को हम सीधा निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से मैं बता रही हूँ ये कटिंग। ये देखिए ये हमारा ये जो कपड़ा है ये हमारी रुमाली निकल आई है ये। अब हमको करना क्या है, ये हम इस जगह पे ये दो हमारे 4 फोल्ड है, दो हमारे 4 पुरत का कपड़ा ले लिए हैं क्योंकि हमारे दोनों पैर के लिए चाहिए। एक हम इधर जॉइंट लगाएंगे और एक हम उस तरह का जॉइंट लगाएंगे, तो हम इसको कपड़े को अलग कर लेंगे। इस तरह का बीच से कटिंग करके आप ये अलग कर देंगे, और जो यहाँ का जुड़ा हुआ भाग है इसको भी हम अलग कर देंगे। ध्यान रहे ये मोटा वाला जो बॉर्डर है इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा जो कड़क कपड़ा रहता है ये हमको सिलाई करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। अब ये हमारे 4 पुरत के कपड़े निकल चुके हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब हम इसको इस तरह का लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा ये सीधी रुमाली हमारी ये निकल चुकी है। अब ये हमारा क्या आसन हो गया, और ये हमारा, और ये जो हम ये कपड़ा हमारा जो बचा है इसको हम इस तरह का पकड़ के यहाँ म्यानी लगाएंगे। म्यानी का कपड़ा जो है आपको बता दूँ यहाँ से इस तरह का भी मोड़ सकते, जैसे कोना है ना हमारा इस कोने से पकड़ेंगे और यहाँ से मोड़ करके और यहाँ से गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ थोड़ा सा अंदर से गोलाई दे करके ये इस तरह का आप म्यानी लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो हमारी म्यानी जो है ना परफेक्ट एकदम बैठती है। ये देखिए, और ये हम कपड़े को यहाँ से कटिंग करके ये देखिए सीधा करते हुए हम म्यानी का कपड़ा ये सीधा कर देंगे। हमारी म्यानी बन चुकी है, जो कि हम यहाँ से इस तरह का जोड़ देंगी। ये हमारी म्यानी हो गई, और जो हमारा ये कपड़ा जो बचता है ये इस कपड़े का हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये बेल्ट को हमको करना क्या है, देखिए
ये कपड़ा हमारा जो कटिंग का है ये उरेड बचता है, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। ये हमारा कपड़ा बहुत ही सुंदर हमारा पैजामी बना है, ये चूड़ीदार। ये कपड़ा जो है इसको हम इस तरह का जोड़ेंगे कि आपको कोई भी बेल्ट लगाने में 6 इंच का जोड़ लगाना है, तो हम 6 इंच का यहाँ से ये देखिए ये हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे जिसमें हम की नाड़ी डालते हैं। तो यहाँ से ये कपड़ा को हम मिला के निकाल देंगे। ये हमारा हो गया मार्जिन का कपड़ा जिसमें हम नाड़ी डालते हैं, और ये हमारा हो गया कटिंग करने का। अब इसको करना क्या है, आपको जो हमारा ये कपड़ा है ये थोड़ा सा उरेप में है, तो इसको हम इस तरह का, क्योंकि हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ा, इसको सीधा कर देंगे हम ये, और इसमें ये मिलाते हुए जो हमारा यहाँ का कपड़ा है ये, क्योंकि ये सारे उरेप में ही कपड़े बचते हैं, तो आपका यहाँ से कपड़ा ऐसा मिलाते हुए कटिंग कर देनी है। ये देखिए मैं बता दूँ आपको, इस तरह का कपड़ा है, आपको यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ये मिलाते हुए ये हमारा कपड़ा जो है हम ऐसे कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा सारा कपड़ा ये उरेप में कटता है, क्योंकि हमारे उरेप में क्या है कि स्ट्रेचेबल रहता है, स्ट्रेचेबल में हमको पहनने में पैजामे परेशानी नहीं होती। ये कपड़ा हमारा जो है ये सीधा, अब हम इसको जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये इस तरह का कपड़ा है, तो हमको जोड़ने का हम तरीका बता दूं मैं आपको कि कैसा जोड़ना है। ये मिलाना है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मिला करके और इस कोने से इस तरह का ये कोना मिला देना है इस तरह का ये, तो हमारा ये लंबा अखंड कपड़ा बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा जो है ये अखंड कपड़ा इस तरह का जोड़ देंगी, तो ये हमारा कपड़ा जो है ऐसा जोड़ेंगी, इस कोने से यहाँ मिलाएंगी और इस कोने से इस तरह का यहाँ मिलाएंगी। ये हमारा 6 इंच का ये बेल्ट वाला कपड़ा ये पूरा लंबा बन चुका है। अब इसको हम इसी तरह का घड़ी करके रख देंगे। बहुत ही आसान तरीके की कटिंग है, बहुत परफेक्ट कटिंग है, बहुत आराम से देखिए आप, मैं आपको जमा करके दिखा देती हूँ। और बाकी जो हमारा ये कपड़ा बचता है ये, इसको हम ये तिरछा उरेप कटिंग है, तो इस उरेप पट्टी को हम जोड़ करके इस पट्टियों का हम नाड़ी बना लेंगी जो कि हमारे पैजामे में डलती है सीधा करके। तो आप इस तरीके का बना सकती हैं। अब मैं आपको कपड़ा घड़ी करके जमा करके दिखा देती हूँ कि हम इस तरीके का पैजामे जो है हमारी सिलाई करेंगे। देखिए ये हम पहले म्यानी निकाल लेते हैं अपनी, इसको हम इस तरह का ये देखिए इस तरीके का हम बिछा लेंगे इसे, और इसमें हम ये जो है ये जो रुमाली है हमारे, ध्यान रखिए जो हम गुलाई दिए हैं या म्यानी का कपड़ा, इसको हम इस कोने में ही लगाएंगे, इस कोने से ये लगाएंगे। ये म्यानी का कपड़ा हमारा है, और ये है हमारी ये म्यानी जो कि यहाँ से इस तरीके से फिट हो जाएगी। ये देखिए हमारी म्यानी है, और हमारी ये जो है ये वाला ये भाग है ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट का हिस्सा है। तो आप बिल्कुल बहुत आराम से, और जो भी डाउट हो आराम से देखिए मेरा वीडियो, और जो भी आपको डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकती हैं, और मैं कमेंट बॉक्स में परफेक्ट तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से या कि कमेंट के माध्यम से पूरी कटिंग बताऊंगी, और बहुत तरीके से बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कहाँ पे कमी है और आपको करना क्या है। ये जो निशान हमारा लगा है ये देख लीजिए, और जब आप सिलाई करेंगी तो ये हमारा जो है ये नाप वाला निशान है, और आपको और जितने भी पैर में सलवर ना हो, टाइट करना हो, ढीला कट्ठा करना हो तो आप कर सकती हैं। और बाकी नीचे वाले कपड़े में जो हमारे ये निशान है, इसको पलटाते हुए आप नीचे वाले कपड़े में इस तरीके का पलटा करके आप और निशान लगा सकती हैं। ये देखिए पूरे कपड़े में, और हम इस सिलाई से इस सिलाई तक ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा डार्क निशान लगा दूं मैं इसमें आपको बराबर दिखे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है, ये हमारी म्यानी है, ये हमारी रुमाली है, और ये हमारा आसन है, और ये हमारी मोरी है।
तो ये हमारा हो गया पैजामे चूड़ीदार। तो फ्रेंड दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।